गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू रैंकर्स आईटी पीएमटी एकेडमी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट माय नेम इज़ रोहित। टुडेज माय चैप्टर इज द प्लेइंग ऑफ क्लास 12 मैथमेटिक्स। बच्चों 11.3 जो है एनसीईआरटी क्लास 12 में द प्लेइंग जो टॉपिक है उसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्लेन पासिंग थ्रू वन गिवन पॉइंट इन द वैक्टर फॉर्म। तो देखिए बच्चों, प्लेन जो होता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन व्हेन पासिंग थ्रू वन गिवन पॉइंट ए वेक्टर एंड DRS ऑफ नॉर्मल इज n वेक्टर। ठीक है, DRS ऑफ प्लेन यानी DRS ऑफ नॉर्मल। देखिए DRS ऑफ नॉर्मल जो होता है उस पर n वेक्टर है। देखिए इस टाइप से गिवेन है कोई प्लेन, ठीक है, यहां पर एक पॉइंट गिवेन है ए वेक्टर, ए इसका ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर गिवेन है ए वेक्टर, और ये लोकस है, ठीक है, बी यानी यहां पर ये लोकस है आर वेक्टर या पी नाम दे देते हैं, ठीक है पी, और ये लोकस है आर वेक्टर, ठीक है, लोकस ऑफ पी जिसे हमें फाइंड करना है, ठीक है, यानी आर मीन्स एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है, और ए वेक्टर मीन्स एक्स वन आई प्लस वाई वन जे प्लस जेड वन का के। अब देखिए यहां पर ए पी जो है, ठीक है, और ये प्लेन का नॉर्मल हो गया एन, ठीक है, प्लेन का नॉर्मल ओ एन। अब यहां पर जो प्लेन का जो नॉर्मल का डी आर एस है वो एन वेक्टर है, ठीक है बच्चों, एन वेक्टर, ये नॉर्मल ऑफ प्लेन है, जब नॉर्मल ऑफ प्लेन है तो ये परपेंडिकुलर होगा ए पी पर। वेयर एन वेक्टर की वैल्यू, वेयर एन वेक्टर इज ए आई प्लस बी जे, बी जे प्लस का सी के, यानी डी आर एस ऑफ नॉर्मल क्या हो गए, डी आर एस ऑफ नॉर्मल हो गया ए कॉमा बी कॉमा सी। और देखिए डी आर एस जो है नॉर्मल जो होगी वो ए पी लाइन पर क्या होगी, परपेंडिकुलर होगा, तो बिकॉज ए पी वैक्टर इज परपेंडिकुलर टू एन वैक्टर, ठीक है। आप जानते हैं कि जब परपेंडिकुलर होता है तो कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी, थीटा 90 देन कॉस 90 जीरो, तो क्या आ जाएगा ए पी डॉट प्रोडक्ट एन वेक्टर इक्वल टू जीरो। अब ए पी में क्या लिखने वाले हैं, लोकस ओ पी माइनस ओ ए डॉट एन इक्वल टू जीरो। ओ पी का वैल्यू देखिए कितना है, लोकस आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू जीरो, इट मीन्स आर डॉट एन माइनस ए डॉट एन इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो, तो आर डॉट एन इक्वल टू हो जाएगा ए डॉट एन, ठीक है। और जो हम आर डॉट एन, देखिए आर डॉट एन इक्वल टू क्या हो गया ए डॉट एन हो गया, तो हम इसे स्केलर क्वांटिटी लिख सकते हैं। देखिए आर डॉट एन इक्वल टू डी लिख सकते हैं, ठीक है, क्या लिख सकते हैं डी, या लिख सकते हैं और करके आर डॉट एन इक्वल टू क्यू लिख सकते हैं। तो वेयर वेयर डी या क्यू की जो वैल्यू है, डी या क्यू की वैल्यू हम लोग ने ली है यहाँ पर, वो पता क्या ली है ए डॉट एन, और ए डॉट एन जो होगा वो स्केलर होगा, क्या होगा स्केलर होगा। तो देखिए यहाँ पर ए डॉट एन जो है स्केलर प्रोडक्ट है, ये डी और क्यू क्या है, डी और क्यू इक्वल टू स्केलर
प्रोडक्ट है यार पर, ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट है। और बच्चों अगर हम ए का वैल्यू जीरो कर दें, यानी ए को उठाकर ओरिजिन पे कर दें, कहाँ पर शिफ्ट कर दें, जीरो जीरो पे कर दें, तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो यानी फॉर्मूला हो जाएगा आर डॉट एन इक्वल टू ए डॉट एन, और ए को जीरो कर देते हैं अगर इफ ए क्या हो जाए बच्चों, ओरिजिन पे शिफ्ट कर दिया जाए, यानी जीरो कॉमा जीरो पे शिफ्ट कर दिया जाए, तो आर डॉट एन इक्वल टू ए डॉट एन से ए का वैल्यू क्या है, जीरो। ठीक है, तो आर डॉट एन कितना हो जाएगा, जीरो। तो बच्चों ये प्लेन का इक्वेशन जब होगा, व्हेन प्लेन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये वाला फॉर्मूला कब यूज होगा, प्लेन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है, जीरो कॉमा जीरो। तो एक फॉर्मूला ये मिल गया आर डॉट एन इक्वल टू जीरो, और एक फॉर्मूला मिल गया आर डॉट एन इक्वल टू डी, आर डॉट एन वैक्टर इक्वल टू, या तो कुछ बुक्स लिखती हैं डी बेटा, कुछ लिखती हैं क्यू, डी और क्यू क्या है, स्केलर प्रोडक्ट है। तो बच्चों ये प्लेन इक्वेशन है व्हेन प्लेन पासिंग थ्रू वन गिवन पॉइंट इन द वैक्टर फॉर्म। बच्चों ये किस फॉर्म पे है, वैक्टर फॉर्म पे है, ठीक है। अब हम इसे कार्टिशियन फॉर्म पे चेंज करते हैं। देखिए कार्टिशियन फॉर्म पे हम इसे क्या लिख सकते हैं, ठीक है, देखिए कार्टेशियन फॉर्म पर फर्स्ट पॉइंट है कार्टेशियन फॉर्म ऑफ प्लेन, ठीक है। अब देखिए हमारे पास फॉर्मूला था आर डॉट एन इक्वल टू ए डॉट एन, राइट, है ना, आर डॉट एन इक्वल टू ए डॉट एन, वेयर आर लोकस है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, एन क्या है, डी आर एस ऑफ नॉर्मल है, और इस पर क्या है ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, राइट, ठीक है, और ए क्या है, पासिस पॉइंट है, ठीक है, पासिस पॉइंट, यानी इट मीन्स एक्स वन आई प्लस वाई वन जे प्लस जेड वन का के, इस पर वैल्यू बेटा पुट कर देते हैं, ठीक है। तो आर डॉट एन, यानी आर डॉट एन पर वैल्यू पुट करेंगे ए डॉट एन की, तो आर की वैल्यू हो गई एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, डॉट एन की वैल्यू हो गई ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, और इक्वल टू ए का वैल्यू हो गया, ठीक है, ए का वैल्यू है एक्स वन आई वाई वन जे, ठीक है, प्लस जेड वन का के, डॉट एन का वैल्यू है हमारे पास ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ठीक है। बच्चों यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, ठीक है, और इक्वल टू हम इसे क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसे लिख सकते हैं ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, सी वन जेड, ठीक है। और ये जो वैल्यू है वो स्केलर प्रोडक्ट है, क्या प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट है, ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट। अगर हम इसको यहाँ ट्रांसफर कर लेते हैं ए एक्स प्लस बी वाई, है ना, प्लस सी जेड, तो इस वैल्यू को अगर हम इधर पे देखें इस तरफ ट्रांसफर करके, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, और लिख सकते हैं ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी वन जेड इक्वल टू जीरो, और ये टोटल वैल्यू क्या होगी, डी लेट कर लेते हैं, तो प्लेन की इक्वेशन क्या आ जाएगी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो। देखिए जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गई, क्या आ गई, जनरल इक्वेशन, वेयर डी का वैल्यू क्या है, माइनस, ये टोटल डी का वैल्यू है माइनस ए एक्स वन प्लस बी वन वाई, है ना, सॉरी, ठीक है, ए एक्स वन बी वाई वन सी जेड वन, ए एक्स वन बी वाई वन प्लस सी जेड वन, तो ये माइनस में है,
बट ये स्केलर प्रोडक्ट है, ये प्लस में भी हो सकता है और माइनस पे भी हो सकता है। तो जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या प्रूव हो गई? जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है बच्चों, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन इन द कार्टेशियन फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो, वेयर डी इज अ स्केलर प्रोडक्ट। बच्चे समझते हैं, डी इज अ डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, नॉट पी इज द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। यहाँ पर पी जब आएगा वो होती है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डी जो होता है वो ओनली स्केलर प्रोडक्ट होता है। बच्चों इसमें बहुत कंफ्यूजन करते हैं टीचर्स और बच्चे भी। डी इज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए डॉट एन, ठीक है, और पी जब पी पे ये चेंज होगा तब ये चेंज करके लिखा जाता है पी इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि अगर ये पासिस कर देते हैं, पासिस थ्रू ओरिजिन, पासिस थ्रू ओरिजिन, ठीक है, जीरो कॉमा जीरो कौन प्लेन, प्लेन पासिस थ्रू ओरिजिन, यानी एक्स का वैल्यू जीरो, वाई का वैल्यू जीरो, जेड का वैल्यू जीरो। तो यानी अगर हम यहाँ पे जीरो से पास करा देते हैं तो एक्स वाई जेड जीरो हो जाएगा, तो डी का वैल्यू क्या आ जाएगा जीरो। तो प्लेन का इक्वेशन क्या आ जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू जीरो। तो देखिए जब प्लेन ओरिजिन से पास होगा तो हमें इक्वेशन लेनी पड़ेगी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू जीरो, और जनरल इक्वेशन इन द कार्टेशियन फॉर्म लेंगे तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो। इसका वेक्टर फॉर्म क्या लिखा गया है, आर डॉट एन इक्वल टू ए डॉट एन, राइट। और इस पर क्या लिखा गया था वेक्टर फॉर्म, इस पर वेक्टर फॉर्म था जब ओरिजिन से पास होगा आर डॉट एन इक्वल टू जीरो, क्यों, ए डॉट एन, ए की वैल्यू जीरो, ठीक है। दिस इज अ फर्स्ट फॉर्मूला, ठीक है बच्चों। अब हम आगे नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, सेकेंड पॉइंट। देखिए देखिए सी पॉइंट है, नॉर्मल फॉर्म ऑफ द प्लेन, ठीक है। फर्स्ट केस है बच्चों इस पर वेक्टर फॉर्म पे, ठीक है। सेकंड केस होगा कार्टेशियन फॉर्म। तो देखिए अगर हम वेक्टर फॉर्म पे बात करें, अभी जस्ट मैंने आपको बात करी थी, देखिए ये लोकस है, ये ए पॉइंट है, ये पी पॉइंट है, ठीक है, ये ओरिजिन है, इसका लोकस है आर वेक्टर और इसका पोजीशन वेक्टर है ए वेक्टर, और ये नॉर्मल है, ठीक है, ये क्या है नॉर्मल एन, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है 90, ठीक है, क्लियर बच्चों। तो देखिए आप इसे कैसे प्रूव करेंगे, अभी आप लिखा था कि AP जो है AP वेक्टर इज परपेंडिकुलर n वेक्टर, तो यहां पर हमने लिखा था AP डॉट n वेक्टर इक्वल टू जीरो cos थीटा बच्चों। तो AP का वैल्यू क्या हो गया OP माइनस OA डॉट n इक्वल टू जीरो, ठीक है बच्चों। तो यहां पर क्या था OP का वैल्यू क्या है R R माइनस ए डॉट एन इक्वल टू जीरो, ठीक है, R डॉट एन, ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया A डॉट एन। अब इस इक्वेशन को आप बोथ साइड मैग्नीट्यूड n से डिवाइड कर दीजिए, किससे, डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ n, ठीक है। तो ये जाएगा A डॉट एन अपॉन मॉड ऑफ n। तो बच्चों देखिए इसे लिखते हैं r डॉट n यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर बन गया, ठीक है, r डॉट n यूनिट वेक्टर, और ये क्या बन जाएगा p, इस वैल्यू को क्या लेट करेंगे p, ठीक है, वेयर p इज अ
वेयर पी इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। देखिए ओरिजिन दिस वन 0.0। देखिए ये ए है, ए का डॉट प्रोडक्ट एन से करें और मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन बन जाएगी, ठीक है। यानी दिस वैल्यू प्रोजेक्शन हो गया बच्चों, सीधा सीधा क्या हो गया, प्रोजेक्शन हो गया। तो पी, वेयर पी इज अ, वेयर पी इज, जो पी का वैल्यू है वो कितना है, ए डॉट एन अपॉन मॉड ऑफ एन, ठीक है, डिनोटेड बाई या रिप्रेजेंट्स पी इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। पी क्या बच्चों, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, तो ये वैल्यू हो गई पी, ठीक है। अब हम इसे वेक्टर की जगह पे कार्टेशियन पे लिखेंगे, तो बच्चों कार्टेशियन पे क्या लिखेंगे, देखें ये नॉर्मल है कि डीसीएस है, बच्चों ये डीसीएस नहीं हो गया, डी आर एस चेंज इंटू डी सी एस फॉर्म, बिकॉज मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर रहे हैं तो जो प्लेन के नॉर्मल हैं वो डी सी एस फॉर्म में शिफ्ट हो गए, किस फॉर्म पे, डी सी एस फॉर्म पे। तो बच्चों सेकेंड फॉर्म आने वाली है कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म। तो देखिए लेट डी सी एस ऑफ नॉर्मल, अब डी आर एस नहीं है बच्चे, क्या है DCS, DCS of normal, L, M और N, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर वैल्यू रखते हैं लोकस की तरीके से तो क्या आएगा, देखिए XI इस वैल्यू फॉर्मूले पे रखिए, R डॉट N का कैप इक्वल टू P, तो यहाँ हो जाएगा XI प्लस YJ प्लस ZK डॉट, ठीक है, और यहाँ पर वैल्यू आएगी LI MJ प्लस का एन का के, ठीक है, और इक्वल टू पी, तो यहाँ पर बच्चों आ जाएगा एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी। दिस इज अ कार्टेशियन फॉर्म ऑफ प्लेन, दिस इज अ कार्टेशियन फॉर्म ऑफ प्लेन, ठीक है बच्चों, कार्टेशियन फॉर्म है बट ये डी सी एस है, एलिमेंट क्या है डी सी एस नॉट डी आर एस, वेयर एल एम और एन क्या है डी सी एस है, पी क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, फ्रॉम ओरिजिन। क्लियर हुआ बच्चों, इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एन सी आर टी, बच्चों एन सी आर टी का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है 2 मार्क्स के लिए, कितने मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ठीक है, एक मिनट। आप देख लीजिए, शायद से स्किप कर रहा था, ठीक है, आप एक बार पूरा कंप्लीट देख लीजिए। देखिए अब एग्जांपल्स में कैसे क्वेश्चंस होते हैं, पहले इसका एग्जांपल कैसे होता है, या तो वेक्टर में होगा तो डायरेक्टली लिखना होगा, या तो कार्टेशियन फॉर्म पे होगा उसे चेंज करना होगा। तो देखिए वर्किंग क्या है नॉर्मल फॉर्म पे चेंज करने के लिए, देखिए वर्किंग क्या है, आपने क्लास 11th में भी स्ट्रेट लाइन पे पढ़ा है नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन। अब एग्जांपल है बच्चों कि जो प्लेन है, प्लेन गिवेन है 2x प्लस 3y प्लस 4z है ना, और प्लस 12 इक्वल टू 0, चेंज इनटू नॉर्मल फॉर्म, ठीक है नॉर्मल फॉर्म। तो देखिए ये कार्टेशियन पे है, इसे नॉर्मल फॉर्म पे किस तरफ से चेंज करेंगे, 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू माइनस 12, ठीक है। अब ये निगेटिव है, इट शुड बी पॉजिटिव, इट शुड बी पॉजिटिव, ठीक है, तो यहाँ माइनस से डिवाइड करेंगे तो माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू वाई, बिकॉज इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन सो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसलिए इसे माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो बच्चों यहाँ आ जाएगा माइनस का 4 इंटू जेड यानी 12। अब अगर आपको डी आर एस को डी सी एस में चेंज करना होता है, यानी आप नॉर्मल से मैग्नीट्यूड ऑफ एन से डिवाइड करते हैं ना, देखिए मैंने अभी किया था, आर डॉट एन वैक्टर इक्वल टू ए डॉट एन था,
तो जब हम चेंज करते हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ एन से क्या कर देते हैं, डिवाइड, यानी नॉर्मल के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। तो बच्चों डिवाइडिंग बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ एन। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ क्या हुआ, एन, इससे आप डिवाइड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 प्लस 16, रूट 29 से डिवाइड कर दीजिए, कितने से, रूट 29 से, तो माइनस 2 अपॉन रूट 29 एक्स प्लस माइनस 3 अपॉन रूट 29 इंटू वाई प्लस माइनस 4 अपॉन रूट 29 जेड इक्वल टू 12 अपॉन रूट 29। तो ये बच्चों एल हो गया, एल एक्स, ये डी सी एस हो गया, ये भी डी सी एस हो गया, ठीक है, एन जेड इक्वल टू ये पी का वैल्यू हो गया। तो चेंज इन टू डी सी एस फॉर्म, यानी डी सी एस फॉर्म में चेंज करने के लिए आपको मॉड ऑफ एन से डिवाइड करना पड़ता है और ये पॉजिटिव बनाना पड़ता है। तो बच्चों पी कितना हो गया, पी कितना वैल्यू आ गया, 12 बाई रूट 29 यूनिट, ठीक है, पी मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, क्लियर हुआ ये। ये बेटा 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है अगर स्कूलिंग में आता है कि चेंज इनटू डीसीएस फॉर्म, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन गिवन होगा, उसे आपको किस में चेंज करना होगा, किस फॉर्म पे चेंज करना होगा, डीसीएस फॉर्म पे। ये क्या फॉर्म है, डीसीएस फॉर्म है, ठीक है, डीसीएस फॉर्म ऑफ प्लेन, ठीक है, क्लियर हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखिए इसके बाद होता है, देखिए प्लेन पासिस थ्रू डी केस है, प्लेन पासिस थ्रू डी, प्लेन पासिस थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स, 3 गिवन पॉइंट्स, ठीक है, देखिए कौन कौन से वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर कॉमा सी वेक्टर, हमने ये 3 पॉइंट सेलेक्ट करे हैं, ठीक है, या हम इसको लिख सकते हैं वेयर पॉइंट्स ओ ए वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर, ओ सी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर, ये 3 पॉइंट्स गिवन है, कितने गिवन है, 3 पॉइंट्स। बच्चों ये डी आर एस नहीं है, नॉट डी आर एस, ये 3 पॉइंट्स गिवन है इन अ प्लेन, देखिए, ठीक है, यहाँ पर ओरिजिन है ओ, यहाँ पर एक पॉइंट्स है, एक पॉइंट्स यहाँ है, एक पॉइंट्स यहाँ पर है, ठीक है, अब इसको यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, इसको यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, ये ओ ए है, ओ बी है, ओ सी है, ठीक है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कहीं पर भी आप इसका लोकस लेंगे, क्या लेंगे, लोकस लेंगे, तो हमने पी पॉइंट लिया यहाँ पर कहीं पर, यहाँ पर ले लेते हैं पी पॉइंट लोकस, ये है आर, ठीक है, ये है ए, ये है बी का पोजीशन, ये है सी का पोजीशन। तो देखिए ए पी और ए बी और ए सी, ठीक है, ये ऑल ए बी ए सी और ए पी ये कोप्लेनर हुए ना, सेम प्लेन पे लाइज कर रहे हैं, किस पे लाइज कर रहे हैं, सेम प्लेन पर। तो सबसे पहले बच्चों हम लेट करेंगे, ठीक है, लोकस ऑफ पी, लोकस ऑफ ओ पी वैक्टर इक्वल टू आर वैक्टर, तो लिखेंगे ए पी का वैल्यू जो है वो होगा ओ पी माइनस ओ ए, ठीक है, यानी आर माइनस ए, और ए पी के बाद होगा ए बी, ठीक है, देखिए 4 वैक्टर्स को 3 वैक्टर्स में कन्वर्ट करते हैं तो किसी एक के रिस्पेक्ट में करते हैं, 4 वैक्टर्स है ना, देखिए पोजिशन वैक्टर 1 2 3 4, तो 4 को 3 पे कन्वर्ट करते हैं तो किसी एक के पोजिशन पे लेंगे, तो मैंने ए के पोजिशन पे लिया है, तो यहाँ हो जाएगा ओ बी माइनस का ओ ए, यानी इट मीन्स बी माइनस ए, और ए सी वैक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओ सी माइनस का ओ ए, यानी C माइनस का A, ठीक है, और यहाँ पर नोट कर रहे हैं
एपी वेक्टर कॉमा एबी वेक्टर कॉमा एसी वेक्टर आर कोप्लेनर। देखिए ना सेम प्लेन पर है तो ये कोप्लेनर होंगे, एपी एबी एसी, एपी जरा एपी एबी एसी सेम प्लेन पे लाइज करेंगे। इट मींस डिटरमिनेंट इनका क्या होगा, एबी एपी एपी ठीक है, एबी एसी डिटर्मिनेंट क्या होगा जीरो। ये कौन सी कंडीशन है फॉर कोप्लेनर, फॉर कोप्लेनर राइट बच्चों, कोप्लेनर की कंडीशन क्या थी, डिटर्मिनेंट इसका क्या होगा जीरो होगा, यानी होगा ए पी डॉट प्रोडक्ट है ना ए बी क्रॉस ए सी इक्वल टू जीरो। समझ में आ गया, तो अब हम यहाँ पर इनकी वैल्यू लगा देते हैं ए पी की वैल्यू। ठीक है देखिए कितना आएगा, ए पी का वैल्यू है आर माइनस ए डॉट डॉट और यहाँ पर आएगा ए बी, ए बी का वैल्यू कितना है, ए बी का वैल्यू है बी माइनस ए, तो बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए ठीक है इक्वल टू जीरो। तो बच्चों इसको सॉल्व करना है तो आर माइनस ए डॉट यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट लिखेंगे तो क्या आ जाएगा b क्रॉस c माइनस b क्रॉस a माइनस a क्रॉस c और ये हो गया माइनस माइनस प्लस a क्रॉस a और a क्रॉस a की वैल्यू जीरो, तो ये वैल्यू जीरो हो गई तो r डॉट a हो गया, सॉरी r माइनस a है, r माइनस a, r माइनस a डॉट यहाँ हो जाएगा b क्रॉस c, माइनस को प्लस कर दें तो a क्रॉस b c प्लस a तो C क्रॉस A हो जाएगा। ठीक है और अब आपका ये फॉर्मूला प्रूव हो गया कि अगर आप इसमें से इसको डॉट में लिखेंगे तो पता है क्या लिख सकते हैं, R डॉट ठीक है R डॉट यहाँ पर कितना आने वाला है, सेपरेट में करेंगे तो R डॉट B क्रॉस C प्लस A क्रॉस B प्लस C क्रॉस A मल्टीप्लाई ठीक है, माइनस का ए के साथ करेंगे तो माइनस को उधर ट्रांसफर करें तो प्लस हो जाएगा तो ए डॉट हो जाएगा बी क्रॉस सी प्लस ए क्रॉस बी प्लस सी क्रॉस ए। अब देखिए बच्चों ए डॉट ए जीरो हो जाएगा, देखिए ना ए डॉट ए क्रॉस बी जीरो, ए डॉट सी क्रॉस ए भी जीरो, ये वाला जीरो ये वाला जीरो जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो फॉर्मूला प्रूव हो गया R डॉट B क्रॉस C प्लस A क्रॉस B प्लस C क्रॉस A और इक्वल टू बच्चों A डॉट B क्रॉस C कितना लिखा जा सकता है, डिटर्मिनेंट ऑफ A B C लिख सकते हैं ना और बाकी याला पार्ट जीरो। देखिए ना जीरो कैसे होगा, जीरो किस टाइप से होगा बताइए, A डॉट A क्रॉस B जीरो हो जाएगा, A डॉट C क्रॉस A जीरो हो जाएगा, तो फॉर्मूला प्रूव हो गया दिस वन। ठीक है अब देख लीजिए फॉर्मूला इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दिस फॉर्मूला इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है बच्चों ये क्वेश्चन जो है, ये फॉर्मूला जो है वो दिया गया है कि व्हेन प्लेन पासिंग थ्रू थ्री गिवन पॉइंट्स इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बच्चों यहाँ पर अभी तक जो बोर्ड की बात करें तो सिर्फ आईएससी बोर्ड में पूछा जाता है क्वेश्चन कि वेक्टर फॉर्म से करिए व्हेन प्लेन पासिंग थ्री थ्रू थ्री गिवन पॉइंट्स, तो ये आईएससी बोर्ड में तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बट अभी तक सीबीएसई में गिवन ही नहीं हुआ है, सिर्फ कार्टेशियन पे दे देते हैं वेक्टर पे नहीं देते हैं। तो देखिए अब क्या करना है हमें, नेक्स्ट देखिए इसमें कार्टेशियन फॉर्म का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं वो बता देते हैं। देखिए कार्टेशियन फॉर्म है इसकी, ठीक है कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ प्लेन व्हेन पासिंग थ्री गिवन पॉइंट्स, थ्री गिवन पॉइंट्स ठीक है ना। अब कौन कौन से ले लेते हैं, ए ले लेते हैं एक्स वन वाई वन और जेड वन, बी पॉइंट ले लेते हैं एक्स टू वाई टू और जेड टू, सी ले लेते हैं एक्स थ्री वाई थ्री
जेड थ्री, और लोकस क्या ले लेते हैं, पी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ये लोकस है जो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो देखिए लेट, ठीक है, लेट जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन हुज डी आर एस, हुज डी आर एस ऑफ नॉर्मल, ठीक है। देखिए जो वर्ड आता है ना कि हुज डी आर एस ऑफ नॉर्मल, तो नॉर्मल प्लेन का जो पार्ट्स होता है उससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता हमेशा, प्लेन का जो नॉर्मल होता है ना, देखिए आप ये पॉइंट समझिएगा, यहाँ पर ये नॉर्मल होती है, इस बॉडी से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला, ये प्लेन की नॉर्मल है, ठीक है, ये प्लेन की नॉर्मल है, इस पर डी आर एस होते हैं ए बी सी, ये फोकस रखिएगा, यानी ये जो लाइन है इज अ नॉर्मल ऑफ प्लेन, समझ गए, ये क्वेश्चन पे हेल्पफुल है, ये हेल्पफुल नहीं है, हेल्पफुल ये है क्वेश्चन पे नॉर्मल, तो प्लेन हुज डी आर एस ऑफ नॉर्मल ए कॉमा बी कॉमा सी, तो इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो, इक्वेशन नंबर वन। अब बेटा इस पर ए पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, पुट कर देते हैं ए, क्योंकि सेटिस्फाई करेगा इस पर, तो जाएगा ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी इक्वल टू जीरो, इक्वेशन नंबर टू। फिर होगा ए एक्स टू, जब बी पुट करेंगे, बी पॉइंट पुट कर देते हैं, तो ए एक्स टू होगा, बी वाई टू होगा, सी जेड टू होगा प्लस डी इक्वल टू जीरो, थर्ड हो गई, और पुट सी कर देते हैं सी पॉइंट, ठीक है, तो ए एक्स थ्री प्लस बी वाई थ्री प्लस सी जेड थ्री प्लस डी इक्वल टू जीरो, फोर बन गई। अब देखिए इक्वेशन नंबर टू से वन माइनस करिए, टू से वन, थ्री से वन, फोर से वन, क्योंकि अभी जो प्रूव किया था वेक्टर में उसका क्या मेथड था, ए पी निकाला था, ए बी निकाला था, ए सी देन कोप्लेनर प्रूव कर दिया था, तो सेम यहाँ निकालेंगे बच्चों, यहाँ पर हम इसमें से फर्स्ट वाले से सेकंड माइनस करेंगे, सेम प्रोसेस से इक्वेशन नंबर फर्स्ट माइनस सेकंड करेंगे, फर्स्ट से टू माइनस करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन इक्वल टू जीरो, सेम इसी प्रोसेस से ए वाले से हम इसके माइनस करने वाले हैं, तो आ जाएगा ए एक्स माइनस एक्स टू प्लस बी वाई माइनस वाई टू प्लस सी जेड माइनस जेड टू इक्वल टू जीरो, नेक्स्ट ए एक्स माइनस एक्स थ्री प्लस बी वाई माइनस वाई थ्री प्लस सी जेड माइनस जेड थ्री, ठीक है, ये आप लिख लेंगे। अब इसमें से आपको इसका डिटर्मिनेंट क्या लगा देंगे, जीरो, तो आप इसमें से ए बी सी ए बी सी ए बी सी आप हटा दीजिए, तो यहाँ पर इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म पे लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, एक्स माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन जेड माइनस जेड वन, और यहाँ पर होगा एक्स माइनस एक्स टू वाई माइनस वाई टू जेड माइनस जेड टू, और एक्स माइनस एक्स थ्री वाई माइनस वाई थ्री जेड माइनस जेड थ्री इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब देखिए अब ये प्लेन की क्वेश्चन बन गई बच्चों, ये कौन सी क्वेश्चन आ गई, प्लेन की क्वेश्चन आ गई, प्लेन पासिंग थ्रू थ्री गिवन पॉइंट्स। अब बच्चों जनरली इसे बच्चे इस फॉर्मूले पे, इस फॉर्म पे यूज नहीं करते, इसमें थोड़ा सा बच्चों को समय लगता है, लेकिन करेक्ट फॉर्मूला यही है, यही फॉर्मूला यूज करना चाहिए, आप इसमें डिटर्मिनेंट की तरीके से आप एक्सपेंड कर सकते हैं, राइट, ठीक है। और बच्चों इसका ना 4 मार्क्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। अब नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है इसके लिए फॉर्मूले का, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन्स के लिए लास्ट फॉर्मूला है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा कि हम इसमें आगे का वीडियो लेक्चर नंबर 2 पर इसके और फॉर्मूले बताएंगे, लेकिन आपका नेक्स्ट फॉर्मूला है बच्चों, ई पॉइंट्स है, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन, ठीक है। देखिए फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है, देखिए ये एक्स है, वाई है, जेड है, ओरिजिन है जीरो कॉमा जीरो, ओ
तो देखिए एक्स इंटर एक्स एक्सेस पे इंटरसेक्ट क्या है, ए कॉमा जीरो कॉमा जीरो, वाई एक्सेस पे बी है और यहाँ पे बी इंटरसेप्ट करता है, यानी ये इंटरसेप्ट कितना हुआ ए, वाई एक्सेस का इंटरसेप्ट क्या हुआ बी, और यहाँ पर सी, ठीक है। तो ये पॉइंट हुआ जीरो कॉमा जीरो कॉमा सी। तो इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन क्या होता है, आप इसे अगर प्रूव करेंगे तो कितने पॉइंट से प्लेन पास हो रहा है, ए बी और सी, थ्री पॉइंट से पास हो रहा है। तो अभी जो फॉर्मूला लगाया था इस फॉर्मूले से आप यूज कर लीजिए, ठीक है। देखिए कितने पॉइंट से पास हो रहा है, वन टू थ्री, ठीक है, प्लेन पासिंग थ्री गिवन पॉइंट्स, थ्री गिवन पॉइंट्स, ठीक है, कौन कौन से, ए बी और सी। अभी जो फॉर्मूला लिखा था उसी पे आप अप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर लिखा था ना एक्स माइनस एक्स वन है ना, x माइनस एक्स टू एक्स माइनस एक्स थ्री, इस टाइप से लिखा था। तो x माइनस ए एक्स माइनस जीरो और x माइनस जीरो, y माइनस जीरो y माइनस बी y माइनस जीरो, जेड माइनस जीरो जेड माइनस जीरो और जेड माइनस सी इक्वल टू जीरो। आप इसे सॉल्व करेंगे बच्चों, इसको आप एक्सपेंड करेंगे तो आंसर आएगा x अपॉन ए y अपॉन बी जेड अपॉन सी इक्वल टू वन, ठीक है, ये आंसर आएगा। और ये फॉर्मूला यूज होगा इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन, ठीक है। एग्जांपल दिया गया बच्चों कि इस टाइप से क्वेश्चन है कि इंटरसेप्ट फॉर्म बनाइए, 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 6 इक्वल टू जीरो, या माइनस कर दीजिए, इंटरसेप्ट निकालना है तो 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 6। अब 2 से 6 से डिवाइड कर दीजिए, 6 से क्या कर दीजिए डिवाइड, इंटरसेप्ट फॉर्म पे बनाना है तो यहाँ 1 होना चाहिए, इट शुड बी 1, इट शुड बी 1। अब 2 से कैंसिल हो जाएगा 3, ये 2 और ये कैंसिल हो जाएगा तो 3 बाई 2। ए का वैल्यू 3 है, बी का वैल्यू 2 है, सी का वैल्यू 3 बाई 2 है। तो ये इंटरसेप्ट हो गया ऑन द एक्स एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन द वाई एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन द जेड एक्सिस, राइट बच्चों। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम इसको कंटिन्यू करने वाले हैं, तब तक के लिए बच्चे आप एनसीईआरटी का फॉर्मूला कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं, ठीक है, ओके बच्चों।